नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, आप सभी किसान मित्रों के काफी कमेंट आ रहे हैं कि भैया सेकंड स्प्रे के ऊपर सोयाबीन के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है सोयाबीन की मुख्य स्टेज हम कहते हैं, अभी जो हमारी सोयाबीन है लगभग 50 दिन के आसपास की हो चुकी है और हमारी जो सोयाबीन है वो R2 स्टेज पार करके R3 स्टेज के अंदर अब प्रवेश करने वाली है। तो दोस्तों, बहुत क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। इस समय पर हमारी जो सोयाबीन है उसमें फूल से फल बनने की जो अवस्था है, मतलब फलियां बनने की जो अवस्था है वो शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, R3 स्टेज जो है बहुत मुख्य है। इस समय पर हमें इल्लियों का और फंगस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले R3 स्टेज की बात कर लेते हैं। R3 स्टेज आखिरकार होता क्या है? जितने भी फूल आ रहे होते हैं वो ठहर जाते हैं और वो कलियों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंसेक्ट हैं, कौन कौन से कीटक हैं जो हमारे सोयाबीन के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यतः सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मुझे सबसे पहला जो कीटक है वो दिख गया है, अगर आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये तना मक्खी, किसान मित्रों, जिसको हम स्टेम फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, ये वायरस की वाहक होती हैं और पत्तों की निचली सतह पर अपने अंडे देती हैं और जो पीला मोज़ेक आता है वो कहीं ना कहीं ये उसका भी कारक होती है। इसके अलावा किसान मित्रों, आपने रिंग कटर का अटैक अभी आपके क्षेत्र में, आपके खेतों में बहुत ज़्यादा देखा होगा। रिंग कटर का दूसरी बार अटैक हो गया, शुरुआत की अवस्था में तो हुआ ही था, वापस से आप R3 स्टेज में है हमारे सोयाबीन, मतलब फूल से अब जो फलियां बनने की जो अवस्था है वो शुरू हो चुकी है, मतलब कर आ रहे हैं और इस समय पर रिंग कटर का अटैक भी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों इल्लियों की, तो इल्लियों में मुख्यतः हमारे क्षेत्र में हरी इल्ली, जिसे हम सेमिलूपर्स के नाम से भी जानते हैं, सेमिलूपर्स जिसे अर्धचंद्राकार इल्ली हम कहते हैं, उसका अटैक भी हमारे यहाँ पर देखा गया है, जैसा कि उसका जो फोटो है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा किसान मित्रों, स्पोडोपटेरा लिट्यूरा के नाम से एक इल्ली आती है, काली इल्ली होती है, इसके ऊपर थोड़े हल्के हल्के धब्बे होते हैं, ये भी इल्ली बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, आपने अपने खेत के अंदर देखी होगी। आपके सामने जो है एक रिंग कटर को उड़ते हुए देख सकते हैं, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रिंग कटर जो है उसका वापस से अटैक शुरू हो गया। देखिए आप, ये है रिंग कटर, इसको हम गर्डल बिटल के नाम से भी जानते हैं। अगली इल्ली की बात करें तो हेलिकोर्वेपा के नाम से हमारे यहाँ पर हमारे खेतों के अंदर आपको इल्लियाँ देखने को मिल गई होगी। और इसके अलावा बिहारी हैरी कैटरपिलर, किसान मित्रों जिसे हम कहते हैं, एक ऐसी इल्ली होती है जो आपको पत्तों के निचली सतह पर एक गुच्छे के अंदर अंडे दिए हुए होती हैं और वो पत्तों को खुरच खुरच कर खा जाती हैं और पत्तों को पूरा ऐसा जालीदार बना देती हैं। बिहारी हैरी कैटरपिलर जो है वो अगर आपको अपने खेत के अंदर दिखे तो आप वो पौधा जो है उस पौधे को उखाड़ कर आप फेंक देवें तो वो क्या है कि ज़्यादा अटैक आपका नहीं करेगा और वो समय से कंट्रोल हो जाएगा। तो बिहारी हैरी कैटरपिलर भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है किसान मित्रों। इसके अलावा रस चूसक कीटों में हम बात करें तो सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर काफ़ी बड़ी समस्या है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, हरे मच्छर तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। इसके अलावा किसान मित्रों, एक नया कीट आया है सोयाबीन के अंदर जिसे हम ग्रे विबल के नाम से जानते हैं, जिसका फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, काफ़ी किसान मित्र इससे घबरा रहे हैं। अगर इसके लिए अगर आपको खेतों में दिखता है तो स्पेशल स्प्रे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये नया कीट है और बहुत कम बार देखा गया है। बात करें फंगस की तो किसान मित्रों, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि काफ़ी क्षेत्रों में जैसे नीमच वगैरह क्षेत्रों के अंदर बारिश नहीं है, हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, बहुत दिन हो गए तेज़ बारिश हुई, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। आपके सामने 95-60 वैरायटी देख सकते हैं, यहाँ पर स्प्रे का जो कार्य है वो चल रहा है। तो मैंने कौन सा टेक्निकल यहाँ पर उपयोग किया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और मैं आपको सजेशन भी बता देता हूँ कि आपने अगर कोई सी चीज़ अगर आपने उपयोग कर लिया तो आप कौन सा टेक्निकल उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, बात कर लेते हैं मैंने कौन सी चीज़ यहाँ पर उपयोग करी है, तो मैं सबसे पहले आपको इंसेक्टिसाइड से शुरुआत करूँगा। आपके सामने देख पा रहे हैं दो इंसेक्टिसाइड यहाँ पर पड़े हैं, एक है तांडव, दूसरा है प्रोफेक्स सुपर, और साइड में आपको मिलेगा प्रैक्सर जो एक प्रकार का फंगिसाइड है, और साथ में आपको मिलेगा एक प्रकार का ये वेटिंग एजेंट है जो स्टिकर आता है चिपको, वो हमने यहाँ पर डाला है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ भी चीज़ उपयोग नहीं करी है क्योंकि सोयाबीन की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर हम टॉनिक वगैरह उपयोग करते हैं तो सोयाबीन आड़े भी गिर सकते हैं। तो दोस्तों, इंसेक्टिसाइड से शुरुआत करें तो यहाँ पर हमने तांडव करके एक बायोबेस्ड इंसेक्टिसाइड आता है जो नेक्सस कंपनी का आता है, वो हमने यहाँ पर उपयोग किया है। आप देख सकते हैं ये हमारे क्षेत्र में चलता है, आपके क्षेत्र में चलता है कि नहीं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये सभी प्रकार की इल्लियों के ऊपर कार्य करता है और काफ़ी लंबे समय से इसका जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है। तो दोस्तों, दूसरे टेक्निकल की हम बात करें तो हमने यहाँ पर उपयोग किया है प्रोफेक्स सुपर।
बात करें इसमें प्रोपेनोपॉज आता है 40% और साइफरमेथ्रिन आता है 4%। किसान मित्रों, ये जो आपकी ओविसाइडल एक्टिविटी और लार्विसाइडल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, मतलब जब आपके खेत के अंदर अंडे होते हैं तो उनमें ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। किसी भी लार्वा होता है तो उसको भी ये अपने थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत अच्छे से लंबे लंबे समय के लिए कवर देता है और मार देता है। जब अंडे ही नहीं बचेंगे तो आगे आने वाली जो इल्लियाँ हैं वो हमारे कवर में रहेगी। तो प्रोफेक्स ऊपर का आप क्रॉस जरूर दें, या फिर प्रोफेनोसाइपर आपको मिल रही हैं तो आप टेक्निकल के हिसाब से जाएं, नाम ना देखें। ये आपको NACL कंपनी का मिलेगा, नागार्जुना का, बहुत ही ये कहते हैं मार्केट लीडर है, अपने अपने नाम से बिकता है प्रोफेक्स ऊपर। प्रोफेनोपॉज प्लस साइपरमेथ्रिन इसमें आता है। बात कर लेते हैं अब टेक्निकल, अगला जो है जो हमने उपयोग किया है वो है प्रैक्सर। दोस्तों, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला एक प्रकार का फंगिसाइड है, अगर आप भी करते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके टेक्निकल की हम बात करें तो इसमें आता है पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सोपायरोक्सोट के नाम से इसमें टेक्निकल आता है। ये बहुत शानदार फंगिसाइड है, अगर हम इसको उपयोग करते हैं तो हमारा जो सोयाबीन है वो अपनी पूरी उम्र लेता है, उसको पकने में दाना भी अच्छा निकलता है, कोई भी उसमें फंगस जनित रोग है वो नहीं आता है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर Aman80 के नाम से एक स्टीकर है, ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन बेस वाला तो नहीं है पर ठीक है, बजट फ्रेंडली है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने खेत के अंदर उपयोग करी है किसान मित्रों। अब बात कर लेते हैं अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बारिश नहीं हो रही है, आप अपने हिसाब से बजट के हिसाब से आप चीज़ें उपयोग करें। मैंने जो आपको चीज़ें बताई है हो सकता है काफ़ी महंगी हो, तो आप अपने हिसाब से बजट के हिसाब से आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप उपयोग कर सकते हैं, तो आपने अगर Imamectin बेंजोइड का उपयोग नहीं किया है तो आप Imamectin बेंजोइड उपयोग कर सकते हैं, 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप वो उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप प्रोपेनोफॉस पर साइफरमेथ्रिन का क्रॉस ले सकते हैं इंसेक्टिसाइड में। अगर आप चाहें तो आप जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो आता है 18.5% वाला, जो आपको कोराजन के अंदर फॉर्मूला मिलता है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप किसी भी चीज़ का, जिससे प्रोपेनोसाइफर का ले सकते हैं, क्लोरोसाइफर का आप साथ क्रॉस ले सकते हैं, क्विनोलफास का आप ले सकते हैं, जो भी आपको समय से मिल जाए उसका आप क्रॉस ले सकते हैं। फंगिसाइड की बात करें, अगर आपको प्रैक्सर का बजट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप बहुत सारे मार्केट के अंदर फंगिसाइड हैं आप उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि जो कस्टोडिया आता है वो भी अच्छा है, जिसमें आपको एजेस्टोस्टामिन प्लस टेबुकोनाजोल मिलेगा, या अगर आप मेटालेक्सिन प्लस मिनकोजेब वाला आप वो उपयोग कर सकते हैं, टाटा मास्टर के नाम से आएगा, टाटा अयान आता है वो भी बहुत शानदार है। अगर आपको और भी बहुत सारे मार्केट में फंगिसाइड है जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, गजे को कर सकते हैं, ओपेरा के नाम से आता है चीज़ें, वो आप उपयोग कर सकते हैं, हेडलाइन के नाम से आती हैं, जो आपको समय से मिल जाए आप उपयोग कर सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से जाएं। ये मैंने जो आपको चीज़ें शेयर करी हैं वो मैंने अपने खेत के अंदर उपयोग करी हैं। काफ़ी किसान मित्रों को ये जो चीज़ें हैं थोड़ी महंगी लगेगी, पर हमेशा ब्रांड ब्रांड होता है, वो लोकल चीज़ हमेशा लोकल होती हैं। तो किसान मित्रों, अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।